हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंगड़ी चिकन। मैंने मसाला लगा लिया है, मुझे बाद में ख्याल आया कि आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करनी चाहिए थी। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। फुल लेग पीसेस हैं तंगड़ी जिसे कहते हैं, उस पर मैंने नाइफ से अच्छे से कट्स बिठा लिए थे दोनों तरफ वॉश करके, और फिर मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। तकरीबन 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे पहले मैंने इसे मैरिनेट कर दिया था। इसमें मैंने डाले हैं इंग्रेडिएंट्स, मैंने इसमें डाले हैं मेन इंग्रेडिएंट जो है उसमें मैंने डाला है दही, उसके साथ नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी। फिर हमने इसमें डाला था लेमन सॉल्ट। तो मैंने सारी चीजों को अच्छे से इस पर लगाकर मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको अच्छे से मैरिनेट कर लो, 2 से 2.5 घंटे आप इसे मैरिनेट कर फ्रिज में रख लो। तो अब ये रेडी है, मैंने इसे फ्राई होने करने के लिए निकाला है। तो चलिए देखते हैं। बड़ा सा पैन ले लिया है मैंने, फ्राइंग पैन। अब हम इसमें डाल रहे हैं तेल। रात का टाइम है तो लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 1 प्लेट जितना तेल डाल लिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं चिकन के पीसेस को इस पर डाल रही हूँ। ग्रेवी बची है वो भी मैं इसे ऊपर से डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, घर के इंग्रेडिएंट्स है, पर बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह बन जाएगा। बॉल में जो मिर्ची वगैरह लगी हुई थी उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है पानी में, मतलब इस पर मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ बॉल को वॉश करके। अब हम इसे ढक्कन ढककर लो फ्लेम पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट। बीच बीच में हमने इसे चेक करना है। इस पे ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। बीच बीच में आपको इसे पलटाते रहना है। फ्लेम को मैंने लो रखा है। देखिए पानी सूख गया है, इसे बीच बीच में टर्न करते हुए देखिए चिकन टूट रहा है, एंड आई एम ट्राइंग टू
Turn it. देखिए चिकन पे लाली आ गई है, अच्छे से रेड हो गया है चिकन और गल भी गया है अच्छे से माशाल्लाह से। देखिए एक साइड से अच्छे से रोस्ट हो गया है चिकन। देखिए चिकन अच्छे से गल गया है और टूटकर नीचे लग रहा है। बहुत ही यम्मी टेस्ट है इसका, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। अच्छे से रोस्ट हो गया है, बस पीछे साइड भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। देखिए किस तरह से इस पर रेडनेस आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अच्छे से गल गया है। ये सिंपल सा तंगड़ी चिकन है। अगर आप इसमें तंदूरी चिकन बनाना चाह रहे हो तो इसमें तंदूरी मसाला मिलता है, तो आप वो मसाला भी मैरिनेशन में ऐड कर सकते हो। फिर आपने करना ये है कि तंदूर का फ्लेवर आने के लिए उसमें कोल को आप एक जलते हुए कोल को आप लास्ट में बीच में एक छोटे से बोल में रखकर उस पर असली घी डालकर ढक्कन ढाँप दोगे तो उसमें कोल का फ्लेवर आ जाएगा और तंदूरी चिकन बन जाएगा आपका। बस यही डिफरेंस है, ये सिंपल सा तंदूरी चिकन है। आप इसी में तंदूरी मसाला ऐड करके तंदूरी चिकन भी बना सकते हैं इसी स्टाइल से। ये अच्छे से फ्राई हो गया है चिकन, तो मैं इसे लो फ्लेम पर टर्न करके मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया है। थोड़ा सा अच्छे से लो फ्लेम पर ये रोस्ट हो जाएगा। 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पर रख दिया था ढककर। मैं इसे टर्न कर रही हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। देखिए बनकर तैयार है तंगड़ी चिकन घर पर। बहुत ही आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं।